सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज फाइनली आज हमने रखा है कान्हा जी के लिए बर्थ, और सुरके इसका बहुत ज़्यादा हो रेला है, बहुत बुरा हाल ही है। ये बहुत गंदा वाला मुंह बनाएगी, देखना चक्कर आ रहे हैं, चक्कर मुझे। ये देखो चक्कर आ गए इसको। अब मैं नहाने के लिए चली जाती हूं। बहुत, मैंने तो पहले ही नहा लिया, और नहाने के बाद मैं कान्हा जी को नहलाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये है हमारा दूध जिससे हम नहलाएंगे कान्हा जी को, थोड़ा सा पानी जिसमें मिक्स करेंगे, और ये अपराध जिसमें हम कान्हा जी को रख के नहलाएंगे। फिर मैंने देखा कि प्लेट व्लेट भी गंदी है, फिर मैंने ये भी साफ करना था। इतने देर में मैंने देखा कान्हा जी भी बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो फिर सुरकेश नहा के आ गई थी, तो फिर सुरकेश ने बोला कि चलो हम अपने कान्हा जी को नहला देते हैं। यस, मैंने बहुत अच्छे और से नहलाया, फिर हमने कान्हा जी को नहलाया, बहुत अच्छे से नहलाया दूध के साथ, और कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे जब हम नहला रहे थे। तो ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से नहलाया है, बहुत ही अच्छे से मतलब उनका बाल भी धोए और पूरा अच्छे से उनको नहला के और सुंदर सा बना दिया मैंने अपने कान्हा जी को। और उसके बाद दोस्तों मैं ड्रेस लेके आई थी उनके लिए, मैं उनके लिए ड्रेस पहना रही हूँ। और बहुत सारी ड्रेसेस सिलेक्ट करने के बाद ना एक बाद में मतलब फाइनली हम एक ये वाली भी नहीं, ये वाली सिलेक्ट करते हैं येलो ड्रेस। आज तो हम ये वाली ड्रेस उनको पहना देते हैं कान्हा जी को, और ये वाली ड्रेस ना उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट से लग रहे होते हैं, और मतलब कि बहुत दो चार गोपियाँ मर जाएंगी उनके ऊपर, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। और इतना करने के बाद फिर इसके ऊपर हमने बहुत मुश्किल से कान्हा जी को पहना दिया, और फिर लास्ट हमारा फाइनल लुक ये था। उसके बाद कान्हा जी रेडी हो गए हैं। अब कान्हा जी को हमने फिर बहुत अच्छे तरीके से सजा करके भोग लगाया, और देखा शाम को कि 6 बज गए हैं, और 6 बजे तक मैं तो सो रहा, और इतने में मैंने देखा कि सुरकेश ने फ्राइड बना लिया, हनुमान बना लिया, दूध का ये बना लिया, खीर बना लिया, उसके बाद ये छमछेरियाँ बना ली, फिर पूड़ी और काले चने, और इतने में मैं नहा के आया, और मैंने जल्दी से फ्रूट काटा कान्हा जी के लिए ताकि मैं उनको भोग लगा सके हम। और इतने में देखा इन्होंने फुली पूड़ियाँ। उसके बाद 6 बजे के बाद हम पूजा कर लेते हैं, सब कुछ बनाने के बाद पूजा करने के बाद उनको पूरा अच्छे से मतलब पूजा करते हैं, क्योंकि शाम की पूजा बहुत ही अच्छे से अच्छी मानी जाती है। तो फिर हमने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद ही हुआ, और शाम तक हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद जब हमने देखा कि कान्हा जी के लिए बहुत अच्छे तरीके से पूरे हर जगह को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो हमने भी उसमें एंटर किया। एंटर करने के बाद फिर हम इस मंदिर के अंदर आए। आपको हम एक बात बताते हैं कि ये वही जगह है जब हमने शादी नहीं करी थी, यहाँ पे आके हम शादी से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमारे चैनल के ऊपर अभी भी है, और हमने आके विश मांगा था कि हमारी आपस में शादी हो जाए, हमारी जोड़ी बन जाए। और अब हम शादी के बाद यहाँ पे आए हैं, आज कान्हा जी का हमने बर्थ भी रखा है, और हमने पूरा ही भूखे प्यासे पानी भी नहीं पिया, वो वाला बर्थ हमने रखा था, कुछ भी नहीं खाया। और लास्ट में फिर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने देखा कि कान्हा जी को सारे झूला झुला रहे हैं, तो उसमें हम भी अंदर गए, और हमने भी फिर झूला झुलाने के लिए हम भी तैयार में हो गए, लाइन में लग गए। इतने में मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ये मोमेंट फिर दोबारा तो मिलने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम में एक बार आता है। तो सुरकेश ने फिर फाइनली कान्हा जी को झूला झुलाया। यस दोस्तों, झूला झुलाते हुए मेरे को बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये लाइन में लगते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये झूला झुलाते हैं, क्योंकि हम ये मतलब कि वीडियो बनाते हैं ना, एक दूसरे के करके वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम घंटा भी बजा लेते हैं। और मंदिर का व्यू तो दोस्तों देखने वाला था, अमेजिंग था, इतना अच्छा था ना, मतलब कि मज़े आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारा रात ही रुक जाओ मंदिर में, जिस तरह से यहाँ का व्यू था, है ना, यहाँ पे सारे भगवान जी थे और कृष्ण राधा, तो उस तरह से सजाए हुए थे पूरे मंदिर में, मतलब बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को इतने अच्छे से सजाया हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों ये वाली जो मूर्ति ना आप देख रहे हो, ये जो भगवान जी ना, हमने यहाँ पे आके मुराद मांगी थी कि हमारी शादी हो जाए, और ये देखो हम इस बार हम दोनों साथ में आए हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब एक अलग बात है। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी भगवान जी को। और दोस्तों थोड़ी देर में हमने देखा कि कान्हा जी के लिए सबके लिए बहुत अच्छा सा ये भी बना रखा था, इतने देर में फिर हम देख के फिर हम बाहर आ गए। और गाइस बाहर का भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सजा रखा था, और बाहर देखो कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर रखी है। तो गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, सपोर्ट भी करना, और ऐसे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। सो बाय, टाटा।